Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. This is your science lecture and science lecture of grade 4. This is your science lecture and science lecture of grade 4 and here we are discussing our chapter number 7. This chapter we have already started and in previous video we have discussed about animals and some part of their living and surviving, and in previous video we have also discussed about the food habits of animals, like according to their food habits we can divide them in several parts, like herbivores, carnivores, omnivores, scavengers, parasites, right? And previous video I have also explain this, that animals can be divided according to their backbones. If they have backbones, they are called vertebrates. If they do not have backbone, they are comes under invertebrates and all these things. So beta, in today's class we are going to do further study related to this chapter only. Now see, as we are discussing our animals living and surviving, here I have already told you that we will discuss about the adaptation by animals, or we can say adaptation in animals. So here, adaptation in animals, we have already discussed about the adaptation according to the food habits. And today we are going to discuss here adaptation by movement. Adaptation by movement means, जैसे हमने देखा था ना कि डिफरेंट फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग हम एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में रखते हैं, ऐसे ही बेटा एनिमल्स में मूवमेंट्स भी होते हैं. आपने देखा है ना कि एनिमल कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो जब वो मूव करता है तभी जाता है. अब देखिए, अकॉर्डिंग टू देयर मूवमेंट वो किस तरीके से मूव करते हैं, उनका क्या मूवमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग भी हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं. ओके, तो अब देखिए, अभी जो एक बहुत, अगर हम एक बहुत सिंपल सा डिवीजन कर दें, तो अगर आपने फोकस किया होगा तो हमारे पास कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो हमारे मूव करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फ्लाई करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ट्रीज पे रहते हैं, है ना सबका, क्योंकि ट्रीज पे भी मूव करते हैं, सबका मूवमेंट अलग अलग तरीके से होता है. तो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अकॉर्डिंग टू दैट. बहुत सिंपल हम कह लें, अगर बहुत इजी वे में कह लें तो देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बाय मूवमेंट मींस अडेप्टेशन इन एनिमल्स बाय मूवमेंट, मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग एनिमल्स में अडेप्टेशन. तो बहुत ही सिंपल हमारा आ जाता है एरियल एंड आर्बोरियल. क्या आता है, एरियल एंड आर्बोरियल. एरियल माने क्या होता है, एरियल मीन्स जो एरियल, एयर, एरियल एयर से रिलेटेड लग रहा है ना, मीन्स जैसे बर्ड्स, इंसेक्ट्स जो फ्लाई करते हैं, जो फ्लाई करते हैं और फ्लाई करके वन प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर जाते हैं इजीली, उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, एरियल एनिमल्स की कैटेगरी में रखते हैं. फिर ऐसे एनिमल्स जो कि हमारे फ्लाई नहीं करते हैं, वो कहाँ होते हैं, वो मूव तो करते हैं लेकिन उनका मूवमेंट होता है इन प्लांट्स, इन ट्रीज, इन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, तो ऐसों को हम कह देते हैं आर्बोरियल. क्या कह देते हैं, आर्बोरियल, जो कि हमारे ट्रीज के ब्रांचेस में रहते हैं या ट्रीज के एक ट्री के ब्रांच से दूसरे ट्री के ब्रांच में मूव करते हैं. लाइक आर यू गेटिंग, कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ में चढ़ना और ट्री के ब्रांचेस में मूव करना, तो उनको हम कहते हैं आर्बोरियल. ओके, नो नीड टू वरी, सब समझेंगे अभी धीरे धीरे. अभी देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि एनिमल्स को अगर हम मेनली देख लें तो कुछ हमारे होते हैं जो मूवमेंट करते हैं, कुछ हमारे होते हैं जो मूवमेंट करते हैं लैंड में, कुछ हमारे ऐसे होते हैं जो मूवमेंट करते हैं एयर में फ्लाई करके, राइट. तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया, ऐसे जो एयर में फ्लाई करके मूव करेंगे उन्हें हम एरियल कहते हैं, और जो हमारे ट्रीज के ब्रांचेस के में मूव करते हैं उन्हें हम आर्बोरियल कहते हैं. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल, अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो क्या होता है बेटा, देखिए जो जैसे हमारी बर्ड्स हैं, बर्ड्स हमारी फ्लाई करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, राइट. जो हमारी बर्ड्स हैं वो इन सर्च ऑफ फूड फ्लाई करती हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस में, सो दे आर देयरफॉर कॉल्ड एरियल. ठीक है, वो एरियल हो जाती है हमारी, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या फूड और वाटर के सर्च में, या अपना
होम की सर्च में जो फ्लाई करके जाती है वो बर्ड्स है, तो दे कम्स अंडर एरियल। आर्बोरियल कैसे होंगे, देखिए एनिमल्स लाइक मंकी, स्क्वायरल, स्नेक, गार्डन लिजार्ड, ये क्या करते हैं, ये आपने देखा होगा, मंकी देखा होगा, स्क्वायरल देखी होगी, स्नेक देखे होंगे, ये यूजुअली क्या होते हैं, ये ट्रीज में रहते हैं। ठीक है, किस में रहते हैं, ये ट्रीज में रहते हैं और ट्रीज में ही मूव करते हैं, वन ट्री से दूसरी ट्री की ओर जाते हैं। तो दीज एनिमल्स आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कह देते हैं, आर्बोरियल एनिमल्स। ओके, अब देखिए समझ में आ गया, एरियल जो फ्लाई करते हैं, आर्बोरियल जो ट्रीज में रहते हैं और वन ट्री से दूसरे ट्री में मूवमेंट करते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे ऐसे एनिमल्स की जो हमारे क्या करते हैं, रन करते हैं। रन करते हैं जैसे डियर हो गया, जेब्रा हो गया। ओके, एनिमल्स लाइक डियर एंड जेब्रा रन ऑन हार्ड सॉइल। अब जो सॉइल है, जो लैंड है ना हमारी, उसमें तो रन करते हैं। तो जैसे हमारा डियर हो गया, जेब्रा हो गया, तो ये क्या करते हैं, रन करते हैं और हार्ड सॉइल, बहुत हार्ड सॉइल में रन करते हैं। तो बेटा टाइम के साथ इन्होंने क्या किया, क्योंकि इन्हें हार्ड सॉइल में रन करना होता है, तो विद टाइम दे हैव डेवलप्ड हूव्स। हूव्स कहते हैं हम, आपने देखा होगा ना कुछ एनिमल्स के फीट में लगे होते हैं ऐसे, आपने देखा होगा वो हार्ड पोर्शन होता है ब्लैक ब्लैक कलर का, दैट इज कॉल्ड हूव्स, दैट इज कॉल्ड हूव्स। तो जैसे हमारे डियर और जेब्रा होते हैं, उनमें क्या होते हैं, हूव्स, जिनकी हेल्प से वो मूव करते हैं। अब देखिए और भी, जैसे हूव्स आपने देखे होंगे काओ में भी होते हैं। ओके, यू कैन सी देयर आल्सो। अब देखिए कुछ एनिमल्स होते हैं हमारे, जैसे डियर लर्न टू, अब डियर का देखिए क्या है, हार्ड सॉइल में वो तो करते ही हैं, मूव तो वो करते ही हैं, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा, जैसे हमारा डियर है और टाइगर है, लायन है, इन्हें क्या होता है, ये फास्ट इन्हें रन करना होता है। ठीक है, अब जैसे डियर को अगर रन फास्ट रन करना है, तो उसने टाइम के साथ खुद को इस तरीके से डेवलप कर लिया है कि वो बहुत जल्दी जल्दी फास्ट रन कर सके। अब कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनको क्या करना होता है, जैसे डियर को पकड़ने के लिए कौन भागेगा उसके पीछे, लायन भागेगा, टाइगर भागेगा, तो ये क्या करते हैं, इनमें क्या होता है, इनके भी रन फास्ट रन तो करते ही हैं, लेकिन साथ में इन्होंने एक चीज और डेवलप कर ली होती है अपने अंदर, टू हाइड देमसेल्फ, अपने आप को हाइड करने की सराउंडिंग में, बिकॉज अगर वो बहुत क्लियरली विजिबल हो जाएंगे बेटा दूर से, तो ऐसे एरिया में कोई भी एनिमल जो कि जिनके लिए वो एनिमल्स के जैसे क्या है, खतरा, ऐसे एनिमल्स आएंगे ही क्यों अगर वो दूर से विजिबल होंगे। तो ये जो लायन, टाइगर, लियोपार्ड होते हैं, क्या करते हैं, ये अपने अंदर ऐसे चेंजेस लाते हैं जिससे कि ये सराउंडिंग में खुद को हाइड कर सकें। ओके, तो इनमें क्या होता है, दीज एनिमल्स हैव पैडेड फीट एंड शार्प क्लॉज। पैडेड फीट, इनके जो पाँव होते हैं वो पैडेड फीट होते हैं, उनमें पैड लगे हुए टाइप के होते हैं, पैडेड फीट, जिससे कि वॉइस उतनी नहीं होती। और दूसरी चीज शार्प क्लॉज, क्लॉज मीन्स इस तरीके से जो नाखून होते हैं ना, शार्प होते हैं, ताकि जब वो रन करें, जंप करें, तो इस तरीके से किसी भी एनिमल पे अटैक कर सकते हैं। ओके, तो हमने क्या समझा, बाय मूवमेंट हमने ये समझा कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं, जो हमारे फ्लाई करते हैं, उन्हें हम एरियल की कैटेगरी में रखते हैं, जो हमारे ट्रीज में होते हैं और ट्रीज में ही मूवमेंट करते हैं, वो हमारे आर्बोरियल होते हैं। उसके बाद जैसे डियर, जेब्रा या ऐसा कोई भी एनिमल जो हार्ड सॉइल में मूव करता है, उस उनके लेग्स, उनके फीट में होते हैं हूव्स, जो कि उन्हें इजीली मूव करने में मदद करते हैं, और जो भी हार्डनेस होती है सॉइल की, उसे टॉलरेट करने में मदद करते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है क्या, ऐसे एनिमल्स जिन्हें अपने आप को हाइड भी करना है, रन भी करना है, और एनिमल्स को भी पकड़ना है। तो ऐसे एनिमल्स के क्या होते हैं, पैडेड फीट होते हैं, और उनमें क्या होते हैं, शार्प क्लॉज होते हैं, जिसकी हेल्प से वो जल्दी से अपने जो भी उसका फूड है, जो भी एनिमल जा रहा है, उस पर अटैक कर सकता है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द थिंग्स, दीज आर द अडेप्टेशंस दैट एनिमल अडप्ट बाय मूवमेंट। ओके, अडेप्टेशन बाय मूवमेंट, तो सच टाइप ऑफ अडेप्टेशन एनिमल हैज डन बाय मूवमेंट। नेक्स्ट वी हैव अडेप्टेशन बाय सर्वाइविंग इन एक्सट्रीम कोल्ड एंड हीट। देखिए बेटा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इस चैप्टर की एक चीज बहुत सिंपल सी समझाई थी, और वो ये कि
कि जब भी हम एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं लिविंग एंड सर्वाइविंग, तो दिस इज गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा. और क्यों होगा ये भी बताया था, बिकॉज प्लांट को तो हमने वन प्लेस में, हमारा प्लांट है लगा हुआ और वहीं पर स्टडी करनी है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, वेरिएशंस नहीं है. लेकिन एनिमल्स के केस में क्या है, एनिमल्स हमारे मूव करते हैं, एनिमल्स हमारे अलग अलग प्लेसेस में होते हैं, अलग अलग वेदर्स में होते हैं वो, और दूसरा वो माइग्रेट कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उनकी हैबिट्स अलग अलग होती हैं. तो इस वजह से हमारे पास डिफरेंट क्या होती है, वैरायटीज हो जाती हैं अडेप्टेशंस की भी, राइट. तो जिसमें हमने फूड हैबिट्स पढ़ लिया, मूवमेंट पढ़ लिया. अब जो हम थर्ड कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं अडेप्टेशन की एनिमल्स में, इट इज एनिमल सर्वाइविंग इन एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड वेदर. ठीक हो गया. अब एनिमल्स जो बहुत ज़्यादा ठंडे में या बहुत ज़्यादा गर्म में रहते हैं, तो वो कैसे रहते हैं. चलिए इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू काइंडली ओपन पेज नंबर 64 ऑफ योर बुक. अपने बुक का पेज नंबर 64 खोल लीजिए, बिकॉज हियर सम एग्जाम्पल्स आर गिवन सो दैट यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दैट एनिमल्स. ओके, इसलिए बुक को ओपन कर लीजिए और ध्यान से देखिए. देखिए क्या कह रहा है. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्वाइविंग इन एक्सट्रीम्स. ओके, देखिए ये है सर्वाइविंग इन एक्सट्रीम्स, दिस पेज नंबर 64. अब देखिए बेटा, इस पेज में है क्या, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि एक्सट्रीम, एक्सट्रीम माने चाहे वो एक्सट्रीम हॉट हो चाहे वो एक्सट्रीम कोल्ड हो, तो दोनों ही के लिए एनिमल्स ने अपने आप को एडजस्ट करा, अपने अंदर चेंजेस लाए हैं कि जब वो एक्सट्रीम हॉट में है तो उन्होंने कुछ डिफरेंट तरीके के अडेप्टेशंस करे हैं ताकि वो सराउंडिंग में सर्वाइव कर सके, और जब वो एक्सट्रीम कोल्ड में है एट दैट टाइम ऑल्सो दे हैव क्रिएटेड सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस इनसाइड देयर बॉडी सो दैट दे कैन सर्वाइव इन नेचर. लेट्स स्टार्ट. How has the polar bear which lives in icy cold countries adapted itself to the surrounding? अब देखिए, जहाँ इतनी ठंड है कि if we will also not take a proper protection for ourselves, we may get ill. तो ऐसी जगहों पर polar bear कैसे रह जाता है? Notice the color of the coat and the thick furry hair on its body. अब क्या बात है, ये क्या कह रहा है बेटा कि अब आपने क्या करना है, ये देखिए. दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू टू ओपन योर बुक पेज नंबर 64. हियर इन दिस पेज नंबर यू कैन सी वन फोटो इज देयर, राइट. अब हमें क्या करना है, हम जो भी स्टडी करें चाहे इस पिक्चर के लिए करेंगे चाहे इस पिक्चर के लिए करेंगे, तो हमें पिक्चर पे ध्यान देते हुए करना है. ओके, सो काइंडली फोकस दिस पिक्चर ऑफ पोलर बियर व्हाट इट इज सेइंग. Notice the color of the coat and the thick furry hair on its body. How do these features help it survive? अब आपने देख लिया होगा कि कुछ icy creamy color है और furry hair है, ठीक है. अब ये सब कैसे help करता है. Now see, the extreme cold or hot climates are the world's toughest to survive in. अब ये बता रहा है कि जैसे एक्सट्रीम हॉट या एक्सट्रीम कोल्ड में पता है दोनों ही चीजों को बहुत टफ है सर्वाइव करना. अब देखिए, आप पोलर बियर देखिए, नाउ सी एक्सट्रीम कोल्ड. एक्सट्रीम कोल्ड में क्या है, देखिए जो हमारा पोलर बियर है वो हमारा आइसी कोल्ड वेदर में रह रहा है. जो पोलर बियर है वो आइसी कोल्ड वेदर में रह रहा है. कैसे रह रहा है, अब अगर आपने फोटो को फोकस किया होगा तो एक तो वो खुद को डेंजर से बचाने के लिए, खुद को दूसरों के अटैक से बचाने के लिए, क्योंकि वो आइस में रह रहा है तो उसकी बॉडी का कलर भी ऑलमोस्ट आइस से मिलता जुलता है, सो दैट ही कैन हाइड हिमसेल्फ, ताकि बियर अपने आप को उस आइस में छुपा सके, डेंजर से खुद को बचा सके, राइट. पहली बात तो बॉडी का कलर ऐसा इसलिए है सो दैट इट कैन हाइड हिमसेल्फ. दूसरी चीज हमारी क्या हो गई, द फरी हेयर. फरी हेयर मीन्स वो जो उसके बॉडी है उसमें जो वो हेयर है ना बेटा, वो इतने वॉर्म होते हैं, वो फरी हेयर बॉडी की वजह से ही हमारे पोलर बियर इस कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि वो जो हेयर है उनको इतनी ज्यादा वार्मनेस प्रोवाइड कराता है एनिमल्स को कि एनिमल कैन लिव इन दैट एक्सट्रीम कोल्ड वेदर ऑल्सो. समझ में आ गई बात. इस वजह से इसने आपको बोला था कि आप फोटो को फोकस करिए. अब आप दोबारा से फोकस करिए, यू कैन सी कि वो कितना पफी सा लग रहा है, उसका जो बॉडी है वो क्यों है, क्योंकि उसमें
हेयर है कई सारे। अब देखिए सेकंड, यू कैन कम इन एक्सट्रीम कोल्ड। देखिए एक्सट्रीम कोल्ड में क्या कह रहा है, पेंगुइन्स आर फाउंड अलोंग द कोस्ट ऑफ द एंटार्क्टिक ओशन, दैट यू नो एंटार्क्टिक ओशन में, एंटार्क्टिका में हमें पेंगुइन सबसे ज्यादा मिलते हैं। दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट ऑल ओवर देयर बॉडीज। अब क्या है, पेंगुइन रहते तो एक्सट्रीम कोल्ड में, बहुत ठंडी जगह में, तो अब वो सर्वाइव कैसे करते हैं? अब देख लीजिए उनमें एक डिफरेंट टाइप का अडेप्टेशन है। क्या, पहली चीज तो जो हमारे पेंगुइन हैं उनमें एक थिक फैट, थिक माने मोटी फैट, यू नो, तो ऐसी थिक फैट की एक लेयर होती है पूरी बॉडी में होती है, एंड वाटर प्रूफ कोट ऑफ फेदर। और जो उसका फेदर होता है, फेदर तो होता ही है, लेकिन वो कैसा है, वाटर प्रूफ कोट है। वाटर प्रूफ कोट क्यों है, वाटर प्रूफ इसलिए है बेटा क्योंकि आपने देखा होगा वो हमारे वाटर में भी रहता है पेंगुइन और हमारा लैंड में भी रहता है, तो इस वजह से दे हैव थिक वाटर प्रूफ कोट ऑफ फेदर सो टू हेल्प देम सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस। मतलब हम ये सोचते तो है पेंगुइन इतने ठंडे में कैसे रहता होगा, लेकिन क्योंकि पेंगुइन ठंडे में रहता है, कोल्ड वेदर में रहता है, एक्सट्रीम कोल्ड में रहता है, सो द अडेप्टेशन इनसाइड इट इज लाइक दे हैव थिक फैट कवरिंग इनसाइड द बॉडी एंड वाटर प्रूफ फेदर्स। ओके, दे आर फ्लाइटलेस बर्ड्स। अब देखो ये क्या है, ये फ्लाइटलेस बर्ड्स है, पेंगुइन बर्ड्स में आता है लेकिन पेंगुइन फ्लाई नहीं करता, दे आर फ्लाइटलेस बर्ड, बट मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल बर्ड की तरह फ्लाई नहीं कर सकता, बट जरा सा वन प्लेस टू अनदर प्लेस कर लेता है। दे आर फ्लाइटलेस बर्ड्स बट दे आर स्ट्रॉन्ग स्विमर्स। लेकिन वो क्या है, स्ट्रॉन्ग स्विमर्स है। स्विमर्स क्यों है, देखिए जहाँ पे हमारे पेंगुइन रहते हैं बेटा, वो एरिया जो होता है ना उसमें आइस तो होती है, और वो आइस कई बार क्या होता है, मेल्ट हो जाती है, आइलैंड टाइप के भी होते हैं, और यू कैन से तो उसमें क्या होता है कि जैसे सपोज वो आइस में खड़े हैं और सडनली वो आइस अगर मेल्ट हो जाती है तो वो वाटर बन जाता है। अब क्या होगा, ऐसे तो पेंगुइन कभी ना कभी क्या होगा, उसमें हमारे वाटर के फ्लो के साथ भी तो जा सकते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि पेंगुइन्स आर वेरी गुड स्विमर्स। पेंगुइन बर्ड होने के बाद फ्लाइटलेस होती हैं, लेकिन दे आर वेरी गुड स्विमर्स। ओके, नाउ यू कैन सी अनदर पिक्चर हियर गिवन, माउंटेन गोट। अच्छा एक चीज देखिए, जो भी मैंने आपको पेंगुइन के बारे में बताया, फॉर द सेम पेंगुइन पिक्चर इज देयर, सो यू कैन फोकस इन दैट पिक्चर ऑल्सो। ओके, नाउ कम इन थर्ड, माउंटेन गोट। द फरी हेयर ऑफ माउंटेन गोट्स टर्न व्हाइट इन विंटर, मेकिंग इट हार्ड टू स्पॉट अगेंस्ट द स्नो। अब जो ये फरी, देखिए सेम चीज ये कि मैंने आपको पोलर बियर के लिए बताई थी, मैंने आपको बताया था ना कि पोलर बियर में क्या होता है, पोलर बियर में अगर उसके जो बॉडी थी वो क्रीमी थी, इसकी क्या है, माउंटेन गोट की जो बॉडी है वो वाइट है, सेम रीजन कि वो अपने आप को स्नो में क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। दूसरी चीज, द स्नो लियोपार्ड इन द हिमालयाज हैज ऑलमोस्ट बिकम एक्सटिंक्ट बिकॉज इट हैज बीन हंटेड बाय मैन फॉर इट्स ब्यूटीफुल थिक फर कोट। ऐसे ही हमारे पास हिमालयाज के जो है स्नो लियोपार्ड भी होते थे बेटा। स्नो लियोपार्ड में क्या होता था कि उनकी फरी बॉडी और वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते थे, तो उस वजह से एनिमल्स ने, सॉरी मैंस ने उनको क्या करा, उन्हें हंट कर दिया, हंट कर दिया, और हंट करने के बाद हंटेड बाय द मैन, और उसकी उसकी जो जो उसकी बॉडी का कवर था उसको यूज करने लग गए, तो इस वजह से जो हमारे स्नो लियोपार्ड होते थे वो बिकेम एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब देखिए एक चीज और वापस आ जाइए माउंटेन गोट में। माउंटेन गोट में मैंने आपको क्या बताया, दैट दे हैव फरी हेयर एंड व्हाइट इन विंटर मेक अ हार्ड स्पॉट टू अगेंस्ट द स्नो। मतलब एक तो सबसे पहली बात, स्नो में अपने आप को हाइड भी कर सकते हैं बेटा, और दूसरी चीज कि वो स्नो से, जो स्नो की वजह से कोल्ड वेदर है उससे भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। ये बहुत ही सिंपल है, व्हाई आई एम डूइंग रीडिंग हियर सो दैट यू कैन सी पिक्चर, बिकॉज अगर मैं आपको बोलूंगी कि आप बुक खोल के पिक्चर देखिए तो आई नो दैट यू पीपल विल नॉट सी डायरेक्टली, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू टू ओपन द बुक एंड डू रीडिंग विद मी, ताकि आप उसके साथ साथ रीडिंग करें तो आप पिक्चर्स देख पाएं। अभी ये मैं समझ गई, जितना भी मैंने बताया इट इज सो सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है, अभी टू टू लाइन से मैं आपको फिर से बता दूंगी। अब देखिए
हमने एक्सट्रीम कोल्ड का पढ़ लिया, चलिए इसके बारे में बता देती हूँ। देखिए जो एक्सट्रीम कोल्ड में एनिमल्स होते हैं, हमने उसमें क्या कहा, वो क्योंकि स्नो वाले एरिया में रहते हैं तो एक तो यूजुअली वो क्या करते हैं कि उनकी बॉडी का कलर ऐसा होता है कि जिससे कि वो स्नो में अपने आप को हाइड कर सके, और दूसरा उनकी बॉडी जो होती है वो उनकी बॉडी में फरी हेयर होते हैं, मतलब फर वाले हेयर होते हैं जो कि उनको वार्मनेस प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर एग्जांपल पोलर बियर, फॉर एग्जांपल माउंटेन गोट। अब आ जाते हैं पेंगुइन में, पेंगुइन भी हमारा कोल्ड वेदर में रहता है, वो ब्लैक कलर का होता है, उसके अंदर जो बॉडी होती है, बॉडी में एक फैट थिक जो हमारी फैट की लेयर होती है जो उसे ठंड से बचाती है, और दूसरा आउटसाइड जो उसकी बॉडी का कवर होता है वो वाटर प्रूफ होता है। वाटर प्रूफ क्यों होता है, बिकॉज दे आर स्विमर्स। पेंगुइन हमारे फ्लाइटलेस होते हैं लेकिन वो बहुत ही अच्छे से स्विमर्स होते हैं। ओके, दिस वी हैव स्टडीड अबाउट एक्सट्रीम कोल्ड वेदर एनिमल्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सट्रीम हीट। ऐसे एनिमल्स जो बहुत ही ज्यादा हीट को टॉलरेट करते हैं वो कौन है, मोस्ट कॉमन यू ऑल नो अबाउट इज कैमल। लेट्स सी व्हाट इज गिवन हियर। कैमल्स आर द बिगेस्ट डेजर्ट एनिमल्स विच हैव अडॉप्टेड देमसेल्फ इन मेनी वेज। अब एक कैमल ऐसा है जो डेजर्ट का एनिमल तो है ही, लेकिन इसने अपने आप को अडॉप्ट भी बहुत सारे तरीके से किया। जैसे अ कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज और इवन अ मंथ। कैमल बिना पानी के, देखिए डेजर्ट एक ऐसा एरिया है, डेजर्ट ऐसा एरिया है वेयर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, एंड दिस ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन प्रीवियस चैप्टर अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ डेजर्ट एरिया, राइट। तो अब जो वहाँ एनिमल्स होते हैं, जिस तरीके से हमारे प्लांट के लिए प्रॉब्लम है वैसे ही प्रॉब्लम सारी एनिमल्स के लिए भी होती है। तो वहाँ जो हमारा एक एनिमल है दैट इज कैमल, इट इज ऑल्सो नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट। वो कैमल ने अपने अंदर डिफरेंट टाइप के अडेप्टेशन करे हैं सो दैट ही कैन सर्वाइव इन सराउंडिंग। ओके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अ कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज और अ मंथ, बहुत सारे दिनों के लिए, मंथ के लिए भी कैमल विदाउट वाटर रह सकता है। बट वेन वाटर इज अवेलेबल, अब देखिए वाटर के बिना रह तो सकता है लेकिन अगर वाटर अवेलेबल हो तो क्या करता है, उस पर भी ध्यान दीजिए। बट वेन वाटर इज अवेलेबल दे कैन ड्रिंक ओवर 200 liters इन अ डे। लेकिन अगर पानी होता है तो उस टाइम पे वो पानी को 200 liters से ज्यादा पी लेता है। दे हैव ब्रॉड पैडेड फीट विच हेल्प देम टू वॉक इजिली। अब देखिए ब्रॉड होते हैं और पैडेड फीट होते हैं, ऐसे फीट जो पैडेड हो जिनमें नीचे से कुछ हार्ड सा पोर्शन लगा हो जो कि उन्हें हेल्प करते हैं सैंड में मूव करने के लिए। ड्यूरिंग ए सैंड स्टॉर्म द कैमल्स नॉस्ट्रल्स क्लोज अप टू ब्लॉक आउट सैंड। अब देखो बेटा थोड़ी सी भी डस्ट आती तो हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, होती है ना, या फिर अगर सराउंडिंग में डस्ट और हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे नॉस्ट्रल्स में डस्ट चले जाती है। नाउ जस्ट थिंक अबाउट कैमल। कैमल तो हमारे डेजर्ट एरिया में रहता है, ऐसे एरिया में रहता है जहाँ सैंड ही सैंड है। तो जस्ट इमेजिन अगर वो जरा सी भी हवा चलेगी, जरा सा भी स्ट्रॉम आएगा तो वो क्या होगी, सैंड बिल्कुल उड़ने लग जाती है। तो अब कैमल भी तो एनिमल है, वो भी तो ब्रीथ करता है, वो भी तो ऑक्सीजन अंदर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देगा, तो उसके भी नोज और नॉस्ट्रल्स का यूज होना है। तो अब ऐसे टाइम पे जिस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ जाता है सैंड का और हर जगह पे बिल्कुल डस्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा सैंडी डस्ट हो जाती है, तो उस टाइम पे हमारा कैमल क्या करता है, अपने नॉस्ट्रल्स को क्लोज कर देता है। कैसे क्लोज कर देता है, क्लोज अप ब्लॉक आउट सैंड, ताकि नॉस्ट्रल्स को ऐसे बंद करता है कि सैंड जो है वो बाहर रहे। ओके, अब देखिए डेजर्ट एनिमल्स ऑल्सो इंक्लूड मेनी इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, लिजर्ड्स एंड स्नेक। मैनी ऑफ दीज रेस्ट और टेक शेल्टर अंडर स्टोन्स ड्यूरिंग द डे एंड कम आउट ओनली एट द नाइट टू फीड। अब कई सारे डेजर्ट में, देखिए मोस्ट कॉमन तो कैमल है बट कई सारे हमारे इंसेक्ट्स, स्पाइडर, लिजर्ड, स्नेक्स होते हैं जो डेजर्ट में होते हैं, तो ये दिन भर तो स्टोन्स में अपने आप को हाइड रखते हैं क्योंकि इतनी हीट टॉलरेट करना इज नॉट इन देयर कैपेसिटी, इतना ज़्यादा हीट वो ईजिली नहीं टॉलरेट कर पाते, तो अपने आप को हाइड रखते हैं और नाइट टाइम में बाहर आ जाते हैं सो दैट दे कैन हैव सम फूड। सो बेटा हियर अगेन वी हैव कम्प्लीटेड अवर सर्वाइविंग इन कोल्ड एंड हीट, एक्सट्रीम कोल्ड एंड एक्सट्रीम हीट। ठीक है, एक्सट्रीम कोल्ड मैंने आपको समझा दिया था, एक्सट्रीम हीट एक बार समझ लीजिए मैंने क्या कहा, जो हमारे
एक्सट्रीम हीट में एनिमल रहते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज कैमल, जो कि हमारे डेजर्ट में रहता है, जिसे हम शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं। ये कैमल जो है, यहाँ शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है, इसलिए कैमल ने अपने आप को ऐसे अडॉप्ट करा है कि ये कई सारे डेज के लिए या मंथ्स के लिए विदाउट वाटर रह सकता है। और जब इसे वाटर अवेलेबल होता है, उस टाइम पे ओवर 200 लीटर्स वाटर भी ड्रिंक कर जाता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, जैसी सिचुएशन हो। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो हमारा कैमल है, उसके पैडेड फीट है ताकि वो सैंड में इजीली मूव कर सके। उसके क्लॉज, मतलब अगर मान लीजिए पैडेड फीट नहीं होते, क्लॉज होते या कुछ और होता, तो वो जैसे ही सैंड में रखता तो वहां पे फंस जाता। तो ऐसा नहीं है, पैडेड फीट है ताकि वो इजीली सॉइल में मूव कर सके। फिर मैंने आपको बताया कि वो अपने नॉस्ट्रल्स को क्लोज कर लेता है। क्यों? ताकि जब सैंडी स्ट्रॉम आए तो वो सैंड उसके नॉस्ट्रल्स के अंदर ना जाए। दीज आर द अडॉप्टेशंस अडॉप्टेड बाय डेजर्ट कैमल। मेनी अदर एनिमल्स और इंसेक्ट्स आर देयर इन डेजर्ट, दोज हु हाइड देमसेल्फ under the stones or in a stone corner, and they only comes out during night time for in the search of food. Okay, so we have discussed here our another type of adaptation, that is surviving in extreme hot or cold. Now we have last, that is special type of adaptation. It is adaptation. Okay, adaptation. Now we are in special type of adaptation. अब देखिए बेटा, एक तो मैंने क्या लिखा है, अडॉप्टेशन, लेकिन अडॉप्टेशन में मैंने एक वर्ड जोड़ा है स्पेशल, स्पेशल अडॉप्टेशन। अब देखिए, अडॉप्टेशन को मैंने स्पेशल क्यों कहा है, व्हाई आई हैव सेड अडॉप्टेशन इज स्पेशल। देखिए, अडॉप्टेशन तो आपने एनिमल्स में पढ़ लिया, लेकिन अब जो मैं अडॉप्टेशन आपको बताने जा रही हूँ, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। क्यों इंटरेस्टिंग है? यहाँ पे ना कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो यूजुअली नहीं होती, पर कुछ एनिमल्स में है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेशल अडॉप्टेशन। आप यहाँ पे नेम दे सकते हैं, कैम्यूफ्लेट, हाइबरनेशन, माइग्रेशन। नेम्स थोड़े से टफ लग रहे होंगे, नो नीड टू वरी, दो तीन बार पढ़ेंगे, यू विल बी हैबिटुअल। ओके, कैम्यूफ्लेट, हाइबरनेशन, माइग्रेशन, दीज आर द नेम्स। अब देख लीजिए, जब आप इनके बारे में जानेंगे, इट विल बिकम क्वाइट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो बेटा, सी क्या कह रहा है ये, कम इन पेज नंबर 65 अगेन, व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज़ डायग्राम्स आर देयर, यू कैन सी देयर। अब देखिए क्या कह रहा है, सम एनिमल्स हैव लर्न टू मर्ज और मैच द कलर ऑफ देयर सराउंडिंग। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या सीख लिया है कि सराउंडिंग का जैसा कलर है वो खुद को वैसे चेंज कर लेंगे। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैम्यूफ्लेज। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैम्यूफ्लेज, CAMOUFLAGE, कैम्यूफ्लेज। कैम्यूफ्लेज मीन्स कि सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का कलर चेंज कर लेना। और ऐसा क्यों करते हैं, सो दैट दे कैन नॉट बी सीन क्लियरली, ताकि वो बहुत ही ईजिली ना दिखाई दे या बहुत ही ईजिली विजिबल ना हो। दिस हेल्प्स देम टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ। ओके, और ये क्या करता है, ये फीचर क्यों आता है, ये फीचर एनिमल्स में इसीलिए आता है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। ये चीज़ तो आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे इस चैप्टर में पढ़ते पढ़ते, कि कोई भी एनिमल अगर अपने आप को सराउंडिंग के कलर के हिसाब से चेंज कर ले रहा है तो वो क्यों करता है, सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ। ओके, नाउ कैम्यूफ्लेज, माइग्रेशन एंड हाइबरनेशन आर स्पेशल फॉर्म्स ऑफ अडॉप्टेशन विच अ फ्यू एनिमल्स यूज टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। लेट मी क्लियर वन थिंग हियर, कैम्यूफ्लेज को आप माउंटेन गोट या पोलर बियर से मत कंपेयर करिएगा। मीन्स माउंटेन गोट और पोलर बियर का जो बेटा बॉडी कलर है वो परमानेंट है, वो स्नो जैसा ही है क्योंकि वो उस एरिया में रहते हैं, लेकिन वो अडॉप्टेशन एक परमानेंट अडॉप्टेशन है। वो अडॉप्टेशन कोई स्पेशल फीचर नहीं है कि जिसमें वो अपने आप को सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज करते रहेंगे, ऐसा नहीं है, वो उनका परमानेंट अडॉप्टेशन है। लेकिन जिनके बारे में हम कैम्यूफ्लेज में पढ़ेंगे, वो ऐसे हमारे एनिमल्स होते हैं जो अपने आप को सराउंडिंग के हैबिटेट के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। जैसे सराउंडिंग का कलर है वैसे ही वो खुद को अपने आप को उस सराउंडिंग में एडजस्ट करने के लिए चेंज कर लेते हैं बॉडी के कलर को। दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ फीचर। ओके,
Let's see now what is given here. Camuflage. Camuflage is the ability of an animal. देखिए, camuflage is the ability of an animal to change its color or to merge with its surrounding. Simple सी बात है, बहुत easy है. Definition आपको tough लगेगी. Simple से समझ लीजिए कि जैसे अपने आप को सराउंडिंग में एडजस्ट करने के लिए, अपने आप को हाइड करने के लिए जो अपनी बॉडी के कलर को चेंज कर देते हैं, उनमें ये स्पेशल फीचर होता है कॉल्ड कैम्यूफ्लेज. फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत हिंदी में एक वर्ड बोलूंगी, दैट इज कॉल्ड गिरगिट. सुना है गिरगिट? आप क्या कहते हैं, गिरगिट कलर चेंज करती है ना? यस, कैमेलोनिट इज कॉल्ड. और वो अपना क्या करती है, कलर चेंज कर देती है. देखा होगा आपने, सपोज अगर वो वॉल में है, मान लीजिए ब्रिक्स में चढ़ी हुई है और ब्रिक्स के कलर रेड है, तो वो अपने आप को रेड में चेंज कर लेगी. बट अगर वो कोई ट्री के ब्रांच में है और वो ट्री का ब्रांच हमारा ग्रीन कलर है, तो वो अपने आप को ग्रीन ले आती है. दैट इज कॉल्ड कैम्यूफ्लेज, जिसके अकॉर्डिंग वो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेती है और फिर आपको ईजिली उसे आप नहीं ढूंढ सकते. मैरी इंसेक्ट्स आर ईटन बाय बर्ड्स. ठीक है, कई सारे इंसेक्ट्स जो है बर्ड्स खा लेती है. तो इसी तरीके से जो हमारा ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर ने क्या किया, उसके अंदर भी कैमोफ्लेज है. ग्रास हॉपर्स आर ग्रीन इन कलर लाइक सराउंडिंग ग्रास. इसीलिए, क्योंकि जैसे बर्ड आती है और एनिमल को, एक सॉरी इंसेक्ट को एकदम खा लेती है, तो जो ग्रास हॉपर है उसने क्या किया है, वो ग्रीन कलर कर लेता है अपना ग्रास में रह करके, और उस ग्रीन कलर में बर्ड के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है उसे ढूंढना. स्टिक इंसेक्ट्स लुक लाइक द स्टिक्स ऑफ द ट्री. अब स्टिक इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो बिल्कुल स्टिक ऑफ द ट्री लगते हैं. दिस यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, दिस इज द स्टिक इंसेक्ट. आप यहाँ से देख सकते हैं, ये स्टिक इंसेक्ट है. स्टिक इंसेक्ट क्या करता है, इसका लुक ऐसा होता है जैसे आपको इंसेक्ट को प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे, आप पहचान ही नहीं पाएंगे इंसेक्ट. आपको क्या लगेगा कि ये ब्रांच है ट्री की, ओके, यह स्टेम है. तो स्टिक इंसेक्ट लुक लाइक द स्टिक्स ऑफ द ट्रीज ऑन विच दे सिट, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर अदर एनिमल्स टू स्पॉट देम. और वो अदर एनिमल्स के लिए थोड़ा सा ये टफ कर देते हैं कि उन्हें पहचान पाए. तो देखिए बेटा, बहुत ही ईजी था, सिंपल. जो मेन मुझे आपको यहाँ पे बताना है वो ये बताना है, कैमोफ्लेज मीन्स द प्रॉपर्टी इन द एनिमल्स टू चेंज देयर बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग. जो भी सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंग अपना बॉडी कलर चेंज कर लेते हैं, सो दैट दे कैन एडजस्ट देमसेल्फ एंड हाइड देमसेल्फ, ताकि वो अपने आप को हाइड कर सके, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम अदर एनिमल्स, ओके. और इसके एग्जाम्पल आप देख लेते हैं, हमारे पास ग्रास हॉपर हो गया, स्टिक इंसेक्ट हो गया, कैमेलॉन हो गया, लिजार्ड हो गई, ओके, मैनी थिंग्स आर देयर. अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं, हाइबरनेशन. अब देखिए, हाइबरनेशन भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का हमारा एडेप्टेशन है. जैसे क्या होता है बेटा, हाइबरनेशन में क्या है, हाइबरनेशन एक लॉन्ग स्लीप होती है. लॉन्ग स्लीप मतलब एक गहरी नींद. हाइबरनेशन को आप बहुत ही इजी वर्ड्स में समझ सकते हैं, गहरी नींद, एक लंबी नींद जिसे हम कहेंगे डीप स्लीप, दैट इज हाइबरनेशन. अब डीप स्लीप का मतलब क्या है एनिमल्स में, चलिए देख लेते हैं. क्या है, ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ही ठंड की वजह से, एंड लैक ऑफ फूड, बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से और फूड इजिली अवेलेबल ना होने की वजह से, कुछ एनिमल्स जो कि हमारे विंटर में, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो विंटर्स में ठंड की वजह से, और क्योंकि विंटर्स में फूड इजिली अवेलेबल नहीं है, तो विंटर्स में खुद को सर्वाइव कर सकें, खुद से विंटर्स से लड़ के अपने आप को जिंदा रख सकें, कुछ एनिमल्स उसके लिए क्या करते हैं, एक लॉन्ग डीप स्लीप में चले जाते हैं. लॉन्ग डीप स्लीप मीन्स पूरे जाड़े के सीजन्स में, विंटर सीजन जितना रहेगा उतने टाइम पे वो एक टाइप ऑफ अ स्लीप, एक पूरी स्लीप में चले जाते हैं. दैट इज कॉल्ड हाइबरनेशन. बहुत ईजी है, देखिए, हाइबरनेशन मीन्स डीप स्लीप, लंबा सोना. अब वो कब सोते हैं, वो एनिमल्स सोते हैं विंटर सीजन्स में. अब विंटर सीजन में क्यों सोते हैं वो एनिमल्स, विंटर सीजन में इसलिए सोते हैं क्योंकि उन एनिमल्स को एक तो विंटर सीजन से बचने के लिए कोई स्पेशल एडेप्टेशन है नहीं, तो वो विंटर सीजन में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहे, और दूसरी चीज उनको फूड भी इजीली अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने जो अडेप्टेशन अपने अंदर किया है दैट इज हाइबरनेशन. हाइबरनेशन उन एनिमल्स में होता है जो विंटर्स में पूरा डीप स्लीप,
स्लीप में चले जाते हैं, आराम से सो जाते हैं, फिर ना उन्हें फूड की जरूरत होती है और ना ही उन्हें वेदर में की कंडीशन से खुद को फाइट करना होता है. ओके, सो ड्यूरिंग हाइबरनेशन द एनिमल्स हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग स्लोस डाउन. हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट दोनों ही कम हो जाते हैं. मैनी लिजार्ड्स एंड स्नेक्स हाइबरनेट इन विंटर. इसीलिए आपने देखा होगा कि समर सीजन में हमें स्नेक ज्यादा दिखते हैं एज कम्पेयर टू विंटर, एंड वेकअप व्हेन द हॉट सीजन और स्प्रिंग अप्रोचेस. और जैसे जैसे गर्मी आने लगती है, स्प्रिंग का सीजन आने लगता है, ये हाइबरनेशन वाले एनिमल्स जो है वो उठ जाते हैं. राइट, तो बेटा समझ में आ गया होगा. इट इज सो इजी. हाइबरनेशन माने एक लॉन्ग स्लीप. तो जो एनिमल्स विंटर्स में खुद विंटर से फाइट करके खुद को सर्वाइव नहीं कर सकते और फूड उन्हें इजीली अवेलेबल नहीं होता सराउंडिंग में, वो एक डीप स्लीप में चले जाते हैं, विंटर सीजन में सो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइबरनेशन. इसका एग्जांपल हमारे पास लिजार्ड एंड स्नेक है. ओके, नाउ थर्ड इज माइग्रेशन. अब देखिए, माइग्रेशन भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है. माइग्रेशन मीन्स माइग्रेट, और माइग्रेट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना. माइग्रेशन हमारा वर्ड बना है माइग्रेट से, और माइग्रेट माने एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो माइग्रेशन से भी क्या मतलब है? माइग्रेशन से भी मतलब है कि एनिमल्स एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं. अब क्यों जाते हैं? लेट्स सी. सम एनिमल्स मूव इन लार्ज नंबर. बहुत लार्ज नंबर मतलब ग्रुप्स में जाएंगे, एक या दो एनिमल नहीं जाएगा, सारे ग्रुप्स में जाएंगे. सम एनिमल्स मूव इन लार्ज नंबर्स फ्रॉम कोल्ड प्लेसेस टू वार्म प्लेसेस इन सर्च ऑफ फूड. ठीक है, कुछ एनिमल्स जो विंटर्स में होते हैं वो जाड़े की वजह से और फूड अवेलेबल ना होने की वजह से अपने ग्रुप्स के ग्रुप्स विंटर वाले प्लेस से ऐसे प्लेसेस पे जाते हैं जहाँ पे हॉट सीजन हो, हॉट वेदर हो, वार्म प्लेसेस जहाँ गर्मी हो थोड़ी सी. एंड दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन. बर्ड्स लाइक साइबेरियन क्रेन एंड द आर्कटिक टर्न आर अवर गेस्ट. जैसे साइबेरियन क्रेन और आर्कटिक टर्न, बेटा ये वो बर्ड्स हैं जो हमारे वहाँ मीन्स इन इंडिया आती है फॉर द सर्च ऑफ फूड ड्यूरिंग विंटर्स. ठीक है, दे माइग्रेट एवरी विंटर फ्लाइंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ओवर लैंड्स एंड सीज टू कम टू अवर कंट्री. ओके, बहुत सारी लैंड्स और बहुत सारी सीज को क्रॉस करके हमारी कंट्री में आती है. बिकॉज जो आउटसाइड कंट्रीज हैं, जो फॉरेन कंट्रीज हैं, यूजली वहाँ का वेदर इंडिया के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है विंटर्स में. तो ये जो बर्ड्स है वहां से माइग्रेट करके ग्रुप्स में फ्लाई करके यहाँ आ जाती है और यहाँ फिर ये अपना फूड इन्हें मिल जाता है. ओके, सो आई होप दैट यू ऑल आर गेटिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन. माइग्रेशन मीन्स व्हेन एनिमल्स और बर्ड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ ग्रुप्स इन सर्च ऑफ फूड एंड वार्म प्लेस. सो बेटा, टुडे हियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट this chapter different types of adaptation. Okay, in this chapter today we have discussed about different types of adaptation that is adapted by animals, and here we have discussed adaptation by food habits, adaptation by movement, adaptation by surviving in extreme cold and heat, and an adaptation special type of adaptation is fashion adaptation, in which we have studied about camouflage means body ke color ko change karna, हाइबरनेशन मीन्स डीप स्लीप में चले जाना, माइग्रेशन मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना इन सर्च ऑफ फूड एंड वार्म. ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर नंबर 7. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग काइंडली रीड चैप्टर ऑल्सो फ्रॉम बुक एंड फोकस इन द डायग्राम्स, फोकस इन द पिक्चर्स दैट आर गिवन इन योर बुक, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स मोर क्लियरली. I hope you will like this video. Thank you and have a nice day ahead.